दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल हुई 5 फोरेंसिक वैन, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वैन के अंदर की तस्वीरें यहां पर जो है दिल्ली पुलिस के बेड़े में ये 5 फोरेंसिक वैन जो है वो शामिल हो चुकी हैं, जिसके चलते ये वैन मौकाया वारदात पे जाएंगी और जल्द से जल्द जांच में जो है तेजी दिखाएंगी। इस वक्त मेरे साथ फोरेंसिक वैन के अधिकारी मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। किस तरह की खासियत है इस वैन के अंदर? इस वैन में प्राइमरी टेस्ट करने का, एविडेंस का प्राइमरी टेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑन द क्राइम सीन पे। पहले देखा जाता था कि क्राइम सीन पे फोरेंसिक की टीम पहुँचती थी, वहाँ से सबूत कलेक्ट करती थी, जो चीज़ें मिलती थी एविडेंस के लिए, और बाकी ऑफिस में जाकर फिर जांच की जाती थी। तो इस वैन के थ्रू किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलने वाली है? इस वैन के थ्रू जब भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम इसी वैन में हम यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इसमें है लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपर किट है, यहाँ पे हमारे पास नारकोटिक्स किट है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड एंड सीमेंट डिटेक्शन किट है, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोजिव मटेरियल को टेस्ट करने के लिए किट है, हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक की 3 किट है, यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट लाइट सोर्स के लिए किट है, हमारे पास बुलेट होल टेस्टिंग किट है। तो यहाँ पे हर तरह की सुविधा है जो एक ऑफिस के अंदर प्रॉपर हुआ करती थी, तो यानी प्राइमरी टेस्ट के लिए, यानी कि अगर कोई भी वारदात होती है तो आपकी वैन वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पे प्राइमरी टेस्ट किए जा सकते हैं। कितना समय लगेगा, जो आमतौर पर समय काफी लगता था आने जाने में, उसमें समय ज्यादा लगता होगा, इसमें कितना समय लग सकता है, कितना समय की बचत होगी? ऑन द स्पॉट नहीं होती थी, अब प्राइमरी टेस्ट हम ऑन द स्पॉट यहाँ पे करते हैं। कितने घंटों का अंतराल में फायदा होने वाला है अगर अंदाजा लगाया जाए? वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एविडेंस हमको मिलता है, उसके हिसाब से हमको टाइम। काफी मदद मिलने वाली है जो इन्वेस्टिगेशन में। मोबाइल फोरेंसिक वैन है जिसमें हर तरह की सुविधा जो है जांच के लिए दी गई है। अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो इस वैन के थ्रू जो है वहाँ पे इसे ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है बकायदा मुकाय वारदात का इंस्पेक्शन किया जाएगा। इसी तरह की 5 वैन जो है वो दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल हुई है, जो कि वारदात वाली जगह पे जाएंगी और तुरंत इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिल सकती है। सर, दिल्ली पुलिस के बेड़े में 5 ऐसी मोबाइल वैन जो है वो शामिल हो गई है जी, कितना फायदा इन्वेस्टिगेशन को होने वाला है? इससे ये फायदा होगा कि ये जहाँ भी क्राइम होता है ये पुलिस के साथ ये वैन चली जाएगी, उसके अंदर साइंटिफिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। तो जिस प्रकार का क्राइम, जिसमें जैसे 14 किट्स मौजूद है, वो 14 किट्स के अंदर जो भी जिस प्रकार का क्राइम है, साइबर है, DNA के लग है, मर्डर है, बैलिस्टिक्स का है, टॉक्सिकोलॉजी का है, नारकोटिक्स का है, वो प्लेस ऑफ क्राइम पे जाके इमीडिएटली एग्जामिन हो जाएगा और एविडेंस लेके उसका तुरंत रिजल्ट दिया जाएगा। तो उसमें टाइम में कितनी बचत होने की संभावना है सर? जो आप फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं उसमें 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, साल निकल जाए, क्योंकि वहाँ भी पेंडेंसी रहती है। तो इसको उसी प्लेस पे क्राइम पे एविडेंस हो जाएगा, वहीं रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। तो इससे फायदा यह है, कन्विक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। अभी 5 आई है सर, और भी एड होंगे? 10 ऐड हो रही है, मार्च से पहले दे दीजिए दिल्ली पुलिस को और अन्य स्टेटों से भी। हाँ, सबकी रिक्वेस्ट आ रही है, अरुणाचल प्रदेश की आई, चंडीगढ़ की आई है, लद्दाख की आई है, साउथ में से आई है, सो सब जगह एक साथ दे रहे हैं। तो सर, कितनी लागत लगी है इस वैन को बनाने में? ये इसके अंदर ये जो लैब्स हैं, ये जैसे ये 55 लाख का है, इसको फॉरेंसिक अगर आप साइबर की किट्स और वो सब लगाएं तब 80-85 लाख के आसपास लगती है। तो उस प्रकार से ये किया है, तो व्हीकल टाटा का है पर सब ये इंडिजीनियस किट्स बनाई है यूनिवर्सिटी ने।